बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं समराज लान समराज किचन से। से रेडी हो जाए। कोई क्रैक हो तो आप उसको दोबारा से रोल करें। इसी तरह मैं सब रेडी कर लूंगी। ये देखिए मैंने सब रेडी कर लिया। मैं इसमें बादाम लगा रही हूँ। ऐसे ये दिखने में भी बहुत अच्छे से लगते हैं और ऊपर से अंडा हम लगा देंगे। इसको अब हम रख देंगे कढ़ाई पे जो हमने प्रीहीट करने के लिए रखी थी। सबसे पहले नीचे रखेंगे स्टैंड और उसके ऊपर हम रख देंगे बेकिंग ट्रे। हम 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा हल्की भी नहीं। और बाकी वाले मैं कर रही हूँ ओवन में 180 डिग्री पे मैं इसको रेडी करूँगी। हम इसको स्टैंड पर निकालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाए। ठंडा करना इसका बहुत ज़रूरी है ताकि ये खस्ता से रेडी हो। हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितनी ईजीली उतर रहे हैं ये। हल्का सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। और ये कितने अच्छे बड़े बड़े से बिस्किट्स हमारे रेडी हुए। क्योंकि मैंने डो अपनी बड़ी बनाई थी, जो मैंने पेरे थे डो के वो बड़े थे। अगर आप चाहें तो इसको छोटा भी बना सकते हो और किसी और शेप का भी बना सकते हो जो आपको पसंद हो। ये घर के होम मेड सादा से बिस्किट्स बिल्कुल रेडी हैं।
और अब मैं आपको दिखाती हूँ ओवन के। ये देखिए ओवन का कलर जाहिर सी बात है ऊपर से ज़रा वैसा ग्रिल हो जाता है। ये 4 मिनट रख देते ओवन में, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि और क्रिस्पी से हो जाए। आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी छोटी सी रेसिपी कैसी लगी। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं कम इंग्रेडिएंट्स में ज़बरदस्ती रेसिपीज लेकर आऊँ आपके लिए। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, देखिए कितनी खस्ता से बना है और नीचे से भी कलर बहुत अच्छा सा आया इसका। अगर आपको मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।